हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम फ्रिज देखने के लिए आए थे जो है वर्लपूल इंटरफास इंटरफेस कन्वर्टेबल। इसमें समस्या क्या थी, इसमें जो आइस आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमने चेक किया तो उसका हीटर ख़राब था। हमने हीटर ये चेंज किया है इसका, और आपको दिखाते हैं कि खुला हुआ है। हमने टाई वाई लगा के वो फिट कर दिया हीटर इसका, और आपको दिखाएँगे और इसकी एरर कोड फाइंडिंग भी सिखाएंगे हम आपको। तो ये ऑन हो गया है, चल गया है फ्रिज, तो हम इसको दिखाएंगे। हमने ठीक किया है, वो चेक करना बताएंगे कैसे चेक करता है और क्या क्या समस्या करता है। तो हमने ये चेंज कर दिया, पूरी कूलिंग को बाहर निकालने लगी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बर्फ़ जम रही थी, पानी करके हमने इसको ठीक किया। और ये कस्टमर का फ्रिज था, वो ठीक करने के लिए 7-8 बंदे से देख के चले गए फ्रिज को, क्योंकि फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। कंपनी वाले भी हाथ खड़े करके थे, तब हमने आगे से चेक किया है। इसमें हमने हीटर चेंज किया, देखो ये लग रहा है, हमने टाई लगा दी है रोकने के लिए इसको। तो हम इसको दिखाएंगे, ये ओके हो गया है फ्रिज हमारा, और चला के दिखाएंगे। और एक बार इसको हम एरर कोड कैसे निकाल सकते हैं वर्लपूल के, इस वाले फ्रिज के कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ चेक करना हो, जैसे हमें ये डिपार्टमेंट चेक करना है, निचला डिपार्टमेंट चेक करना है, तो दिखाएंगे कैसे पता पड़ेगी। पर इसमें एक समस्या है, ये एरर कोड दिखाता नहीं है। एरर कोड आप इसको फाइंड तो कर सकते हैं, कोई एरर नहीं दिखाया कुछ भी। तो अभी हमारा लड़का लगा हुआ है, चल पड़ा है फ्रिज, तो ये हमारा हमने कवर कर दिया, यहाँ पीसीबी थी इसकी, कंप्रेसर वाला चला कर दिखाएंगे, चल पड़ा है फ्रिज। ओके जी, फ्रिज ओके, दिखाते हैं भाई इसका एरर कोड फाइंड करने का।